आप बॉलीवुड मतलब इसके कोई कंपैरिजन ही नहीं है, समझ लीजिए बिल्कुल नहीं है। एक नंबर क्या बताए तुम, गजब की मूवी सर। ऑसम, बढ़िया मूवी लगी, बेहतरीन। कौन सा डायलॉग है? रॉकिंग रॉक रॉक। नमस्कार, आज 14 तारीख है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती भी है और तमाम तरह के अन्य त्यौहार भी हैं, लेकिन हम आए हैं इस समय यहाँ पे लखनऊ के वेव बॉल में KGF चैप्टर 2 की आपको पब्लिक रिव्यू दिखाने। हम लखनऊ में हैं, लखनऊ के वेव मॉल में। अभी 11:48 पर इनका पहला शो ख़त्म होगा और दूसरा शो 12:05 पर शुरू होगा। कि जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब इसने कई सारे कीर्तिमान स्थापित करे थे। अगर हम बात करें तो ये पहली कन्नड़ मूवी थी जिसने सबसे तेज 50 करोड़ रुपए कमाए थे और उसके साथ ही साथ ये पहली कन्नड़ मूवी थी जिसने 250 करोड़ रुपये कमाने का भी कीर्तिमान अपने नाम किया था। KGF चैप्टर 2 आ रही है, जब चैप्टर 1 आई थी तभी से इसके चैप्टर 2 की डिमांड पब्लिक में काफ़ी थी। तो इसके जो निर्देशक हैं, उनकी जो पटकथा लिखी है प्रशांत नील जी ने, उन्होंने इस पर काम तेज कर दिया है और KGF चैप्टर 3 का भी यहाँ पे एक सस्पेंस KGF चैप्टर 2 में डाल दिया गया, जो भी पब्लिक आपको देखने के बाद आके बताएगी। देखा KGF 2 देखा। हाँ। अच्छा, KGF चैप्टर 1 देखा था? अरे सर जी, बहुत तो चैप्टर 3 का इंतजार है। अरे सब, इतनी मोस्ट अवेटेड मूवी। अब सब समझ लो 11 बजे का शो है, जाहिर सी बात है कुछ ऑसम देखना था। इतना ज्यादा सबसे बेस्ट डायलॉग यार क्या बताऊँ, कोई एक है ही नहीं। क्या लगा मूवी का प्लस पॉइंट? क्या था प्लस पॉइंट? ये यस रॉकिंग रॉक रॉक। कैसी लगी मूवी सर आपको? सर बहुत ही अच्छी मूवी। तो क्या लग रहा है, टॉलीवुड अपने राइज पे है? हाँ बिल्कुल। हाँ, बॉलीवुड का खत्म हो, खात्मा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी लगी सर मूवी? बढ़िया मूवी लगी, बेहतरीन, बेस्ट डायलॉग आपको? सारे डायलॉग बेस्ट, सारे। एक कोई डायलॉग जैसे पिछली बार था कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, तो उस बार कहा कि उसके मतलब उसको जो बना है। हाँ। उसके बाद में दूसरा ट्राई नहीं कर पाया, वो अकेला ही है। चैप्टर 3 का इंतजार है? मे बी अभी नहीं है। इंतजार तो है लेकिन। हाँ। मेरे ख्याल से आएगी नहीं। कैसी लगी सर? ऑसम। क्या बेस्ट डायलॉग क्या लगा सर? सारे डायलॉग बेस्ट, उसमें कुछ कहना ही नहीं है, सारे डायलॉग बेस्ट हैं। क्या लगता है कि बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड में टॉलीवुड आगे चल रहा है? इसके आगे कुछ नहीं है। हाँ? जवाब ही नहीं, इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बेस्ट है अभी तक की बेस्ट। हमको तो लगता है सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे लगी सर? क्या बताएं, गजब की मूवी सर। आपको अंदर जाना चाहिए देखने के, सर बाहर भी देख लीजिए। कि जो बॉलीवुड और टॉलीवुड में चल रहा है वर्सेस वाला, जी सर, बॉलीवुड टॉलीवुड सर, टॉलीवुड ऑलवेज बेस्ट, ठीक है। कैसी लगी सर मूवी? माफ करो दादा, माफ करें, आप बताएंगे मूवी कैसी लगी? हाँ सर, कैसी थी? एकदम मस्त थी, कहानी के बेहतरीन, बिल्कुल मस्त, बॉलीवुड से बेहतरीन कहानी, बिल्कुल बढ़िया थी। हाँ, तो बॉलीवुड भूल जाएगा लग रहा है इंडिया सर? बिल्कुल बिल्कुल भूल जाएगा, एकदम सुपर डुपर। कैसी लगी मूवी? एक नंबर। कैसी लगी? एकदम मस्त, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मजा आया, देखी थी, बहुत बहुत अच्छी, पैसा। अच्छा, आप तो मतलब लगता होगा बॉलीवुड मूवी देखती आ रही होंगी, तो क्या लग रहा है बॉलीवुड की जो अब मिठास है वो कम हो रही है? हाँ, हो रही। टॉलीवुड आगे चल रहा है? हाँ, क्या क्या मतलब कहानी अच्छी लगी इसमें? कहानी बिल्कुल पैसा वसूल है, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ज़्यादा। एक्टिंग के बारे में क्या? एक्टिंग यश की बहुत बढ़िया है, फ्यूचर है टॉलीवुड का अच्छा, बिल्कुल है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी भैया मूवी? बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया लगी। लग रहा है कि बॉलीवुड जो है पिछड़ जाएगा। अरे बिल्कुल पिछड़ जाएगा, इसके सामने पिछड़ेगा। अच्छा, पहले समय था जब बॉलीवुड के स्टार बॉलीवुड की मूवी में टॉलीवुड के स्टार्स आते थे। अब टॉलीवुड की मूवी बॉलीवुड के स्टार आ रहे हैं, साउथ के लोग आएंगे बॉलीवुड के। बॉलीवुड में बॉलीवुड भी अच्छा, अब बॉलीवुड मतलब इसके कोई कंपैरिजन ही नहीं है, समझ लीजिए कंपैरिजन नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्टोरी पे रीमेक बनाती है बॉलीवुड वाले, उनकी कोई स्टोरी नहीं रहती है। हाँ बिल्कुल। तो टॉलीवुड आगे चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। कैसी लगी सर मूवी? बहुत ही गजब, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। 10 out of 10 पक्की। बताइए कि स्टोरी कैसी थी? स्टोरी बहुत ही मतलब सेंसिबल स्टोरी थी, जिसके लिए टॉलीवुड जाना जाता है। बहुत बढ़िया। क्या लगता है कि बॉलीवुड में जो है बॉलीवुड खात्मा होने वाला है बहुत जल्दी? हाँ, बॉलीवुड खत्म होने वाला है, ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी। तो हर मुहाने पे अगर उसको मापा जाए तो टॉलीवुड की ये जो KGF चैप्टर 2 है ये काफ़ी अच्छी मूवी है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। इसके साथ ही साथ इसमें चैप्टर 3 का जो इन्होंने अभी नया क्रेज़ डाल दिया है, इसके लिए जनता काफ़ी उत्साहित लग रही है। अभी भी लोग निकल रहे हैं, आइए देखते हैं क्या सीन है, क्या है। लोग कह रहे हैं बॉलीवुड मूवी का जो है टेस्ट कम होता जा रहा है, क्या सच्चाई है? हाँ शायद, हाँ लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि टॉलीवुड एक समय था कि जब टॉलीवुड के एक्टर्स बॉलीवुड की मूवी में काम के लिए तरसते थे, अब उल्टा हो रहा है, संजय दत्त भी आ गए, रवीना टंडन भी आ गए, टॉलीवुड अपने राइज पे है, बिल्कुल। क्या बेस्ट डायलॉग क्या लगा आपको इसका? प्रियांशु कौन सा डायलॉग अच्छा था बेटा?
कौन सा डायलॉग है? स्टोरी कैसी? अरे फिलहाल बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अभी फिर से मैंने रिपीट किया था। हाँ। अभी जस्ट मैं मतलब आज देखने के पहले मैंने फिर से एक बार रिपीट किया और आज का बेस्ट था बिल्कुल। और ये सबसे अच्छा सस्पेंस छोड़ा जिन्होंने, चैप्टर थ्री छोड़ा, ये मैंने बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अब हम लोगों को खुद ही बहुत एक्साइटमेंट है कि चैप्टर थ्री में क्या होगा। तो ये था पूरी एक तरफा का रिव्यू, कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं। ये पहला शो था, फर्स्ट शो फर्स्ट डे में इन लोगों ने देखा और बताया, पूरा पैसा वसूल परफॉर्मेंस आया, 10 out of 10 का रिव्यू था, एक्टिंग अच्छी थी। सिर्फ यश की एक्टिंग की यहाँ पे इस समय बात नहीं हो रही है, संजय दत्त की भी एक्टिंग का यहाँ पे काफ़ी बोलबाला हो रहा है, काफ़ी बातें हो रही हैं। चैप्टर थ्री का जो सस्पेंस KGF 2 में रखा गया है, उसका भी यहाँ पे काफ़ी एक्साइटमेंट पब्लिक में दिख रहा है। आप देखते बोल बच्चन, जय जय भारत।